आई थिंक गर्ल्स तब चीट करती हैं व्हेन द बॉय इज नॉट फिजिकली कंपैटिबल एंड नॉट गुड इन बेड. ये होता है, मतलब आई हैव सीन गाइज कि भाई बहुत प्यार में है वो, ठीक है, और एकदम बंदी सच्चा प्यार करते हैं, बंदी भी करती है, बढ़िया है, लेकिन कभी वो आउटिंग पे गए अपने लॉन्डो के साथ, बंदी साथ में नहीं है, उन्होंने पी ली दारू, और ये जो दारू है ना ये करती माहौल खराब. हाँ तो भाई स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में फिर से. शुभम जी हंस रहे हैं क्योंकि मेरा जो स्टाइल है इंट्रो लेने का वो बदल गया है. इनका रात के हिसाब से बिल्कुल ही माहौल में आते हुए दीपक दिल्ली की क्वालिटी मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा. तो आज कल टॉपिक हम बात करने वाले हैं, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट अलाउज अ गाय और अ गर्ल टू चीट ऑन हर और हिज पार्टनर. वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो तुम चीट कर लेते हो, क्यों करते हो, वो एक क्या चीज है. शादी शुदा भी चीटिंग कर रहा है. हाँ. और एक नॉर्मल लोग भी चीटिंग कर रहे हैं, यंगस्टर्स. तो हमने सोचा चीटिंग पे एक हो जाए आपके लिए कुछ तड़कता भड़कता. हाँ भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, तुम बताओ. शुरू भाई देखो, मैंने कभी चीट तो करा नहीं और ना मैंने अपने ग्रुप में कभी देखा किसी को चीट करते हुए, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते, तो मुझे नहीं पता कि चीटिंग लोग क्यों करते हैं. मे बी आई एम गेसिंग कि लोगों को ना बड़ा फन आता है दूसरों से कम्पीट करने में, जैसा हमने देखा भी है. तो कभी कोई लड़का, मैं लड़कों की बात करूँगा क्योंकि वो हम रिलेट कर पाते हैं कि भाई वाह यार वो तो बहुत सही लड़कियाँ घुमा रहा है और उसकी तो लाइफ कितनी फ्लैशी है यार, तो कंपैरिजन में आके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. और कभी कभी ऐसा होता भी है लड़के शो ऑफ कर देख रहा है वो हॉट लगती है तुझे, ये देख फोटो, देखा देखी ज्यादा हाइप. तो ये हो जाता है कि एक साइकोलॉजी, यार मैं नहीं कर रहा, मतलब यार बताओ हम तो जिंदगी नहीं जी रहे, कल को शादी हो जाएगी, आप अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे. तो इस भेड़ चाल में, इस कंपीट करने में, उसमें लौंडे होते हैं थोड़ा कि चलो यार. भाई मैं इस चीज को सेकंड नंबर पर डालूंगा. फर्स्ट रीजन एक ही होता है मेरे हिसाब से फॉर बॉयज कि वो लोग चीट करते हैं बिकॉज वो बोर हो जाते हैं अपनी बंदी से. बी इट एनीथिंग, टाइम स्पेंड करना और या फिर उनको और सेक्स चाहिए. इधर उधर मुंह मारने में ज्यादा मजा आता है लौंडे को, एंड सेम इज द केस विद द गर्ल्स आल्सो. इधर उधर मुंह मारने में ज्यादा मजा आएगा, मुझे और बंदी चाहिए और लड़कियां चाहिए. समझ रहा, तो मुझे लगता है ये फर्स्ट रहता है बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन इज द फर्स्ट थिंग तुम किसी बंदे में देखते हो, तुम्हें होती है किसी को, तुम अगर जान रहे हो सोशल मीडिया पे, इन रियल अगर तुम मिल रहे हो क्लब से कहीं पे भी, तो मेरे को लगता है कि वो जो अट्रैक्शन होती है ना वो नहीं डूबती है किसी के भी. व्हाट डू यू गाइस थिंक? न्यू प्रोडक्ट ट्राई. अब कुछ नया चाहिए लाइफ में. मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्या तुम्हारा क्या कहना है? ऐसे बैठी तो हुई है, बोल भी दे. आई थिंक गर्ल्स तब चीट करती हैं व्हेन द बॉय इज नॉट फिजिकली कंपैटिबल. If I have a boyfriend, you know, who just fools around in the bed for like 2 minutes, and if I know my friend, she has a guy who can like, you know, bang bang. एक घंटे दो घंटे. Not it's not घंटे कि I know he is too good, you know, he has the skills. So yes, एक that sexual attraction will be there. अच्छा अभी मतलब लड़का लगा पड़ा है पूरी मेहनत कर रहा है. इसका मतलब ये भी है क्या, मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तूने बोला कि अगर वो बंदा अच्छा नहीं है बेड पे, दैट मींस यू आर बेटर. या है ना, फैंसी. तब अभी तो तुम वो कर पा रहे हो कि वो डाउन हो तुम आपको, तो वही कंपैटिबिलिटी बोल रहे हो ना, फिजिकल कंपैटिबिलिटी. वो बंदी उसको अच्छा नहीं करवा सकती. डोंट यू थिंक इट इज द बॉयज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फर्स्ट लर्न एंड देन जंप इनटू द बेड?
बट ऐसा भी तो होता है कि रिलेशनशिप है, पहला रिलेशनशिप लड़की के लिए भी लड़कों के लिए दोनों, तो फिर लड़की बेटर कहां से होगी, उसको तो पता ही नहीं होगा, फिर शी विल बी हैप्पी विद व्हाटएवर शी इज गेटिंग राइट। अगर लड़की के लिए पहला ही रिलेशनशिप है तो कहीं बात से, लड़की का चलो पहला नहीं है, लड़की इज गुड इन बेड एंड इफ द गाय इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लड़का पहली बार कर रहा है, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इन दैट एक लेवल तक ही गर्ल विल ऑल्सो ट्राई, शी विल ट्राई टू टर्न ऑन द गाय व्हाटएवर, इट्स नॉट लाइक एक बार ट्राई करते शी विल जंप टू अनदर गाय, she will put all her efforts right, she will try to make things better, but agar nahi ho raha, wahi hota na ki jaise tumne kaha ki bore ho jata hai insaan, to wo bhi try kar kar ke bore hogi ki yaar isse to not gonna happen what I'm trying in this situation. Ek cheating ka reason ye bhi hai, they not comfortable to talk about this, ye bahut sensitive hai, they not able to talk ki is bare mein hum baat kare baith ke ki I'm not satisfied, You're not making me, because उसको हमें लगेगा नहीं, उसको बहुत बुरा लगेगा, हर्ट हो जाएगा, क्या समझाने बैठे इसमें बात ही क्या करनी है, leave it। हाँ, पर कपल्स आपस में कर सकते हैं कि नहीं कर पाते, नहीं करते, तो नहीं करते, वो prefer करते हैं cheat कर ले। 60% cases ऐसे हैं कि नहीं बात करते हैं, एक दूसरे को हर्ट होगा, ईगो बंदे तो लुट बिट जाएगा, मर्दानगी पे सवाल उठ गया। Because some girls they like very fancy things in bed, ठीक है, with the partner. ठीक है, कुछ लड़कियों को पसंद होता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट यू नो, एंड वो लड़की भी रेडी होती है कि आई एम रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ रोल प्ले एंड यू नो आई कैन डू एनीथिंग फॉर अ मैन लिटरली, सो इफ द गाय इज गेटिंग दैट प्लेजर तो आई थिंक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रादर देन टेकिंग ट्यूशंस फ्रॉम हर कि एफर्ट्स डाले उसके लिए करे। तो छह जगह मुंह मार फिर आई डोंट माइंड, लड़का कह रहा है ये सही कोई बात कही, गिव मी द रिजल्ट्स यू नो, आई डोंट माइंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, यू हैव टू टेल हिम कि नहीं हो, रादर टू चीटिंग, बाहर चीटिंग ठीक है, डू इट, इट्स योर चॉइस, बट इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू टेल, बट आई थिंक इट इज रियली नॉट गुड, इट्स हर्टिंग फॉर द गाय आई थिंक, एग्जैक्टली दिस इज अ, तो बेटर हर्ट हिम दैट वे रादर देन उसे पता चले ये तो यार इतने टाइम से यार कहीं और सॉरी, चीटिंग तो हर्ट करेगा ना, हां चीटिंग ज्यादा हर्ट करेगी यार। यहाँ पर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियों का चीट करने का रीजन भी कुछ ज्यादा ही ये लड़कों से अलग है, फिजिकल इनकंपैटिबिलिटी ये बहुत ज्यादा है 60% दिस, बट इस केस में ब्रेकअप ही कर लो, चीट क्यों कर रहा, क्योंकि ये तो एक लेकिन एक अटैचमेंट भी होती है ना यार, ये तो फिर दोगला पागल, तो अपना पागल बना रहे हो, हाँ। थोड़े टाइम बाद तो छोड़ी दो, अपना क्या दूसरे को, हाँ, दूसरे का भी अपना इस बिहेवियर को मैं बताती हूँ, दिस सेम बिहेवियर इज सीन इन अ कैट, कि यू लव योर कैट, जो आपकी पेट होती है घर में, कैट आपको पता है वो आपको स्क्रैच करेगी और नॉट गोना लिसन, दे आर सेल्फिश, मतलब कैट्स का नेचर होता है थोड़ा सेल्फिश, लाइक डॉग्स थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, कैट्स उतनी नहीं होती हैं, सो बिकॉज आई हैव हैड अ कैट एंड अ डॉग बोथ, सो आई हैव सीन द बिहेवियरल डिफरेंस इन बोथ द पेट्स, सो इट्स लाइक कि आपको पता है वो आप उसको अटैच हो उससे, पर वो आपको पंजे भी मारे, आपको बॉडी पे स्क्रैचेस दे रही है, इट्स बैड फॉर यू द स्क्रैचेस एंड ऑल, आपको उससे कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है ऑब्वियसली, बट आप उससे अटैच हो तो आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, तो इन दैट केस सिमिलरली हम सोचते हैं ना यार एक पपी भी ले आते हैं, शिट्जू ले आते हैं, है ना, तो इस तरीके से कि ह्यूमन नेचर आपको जहाँ थोड़ा बेटर अफेक्शन फील होती है ना आप उस तरफ हो जाते हो। ओके राइट, आई थिंक सो इट वर्क्स भाई, ये तो पता ही नहीं, इसके अलावा फिजिकल कंपैटिबिलिटी के अलावा क्या रीजन रहता है, मनी, मनी इज अ गुड रीजन टू चीट, गर्ल इज अर्निंग 5 lakhs, इफ द गाय इज अर्निंग 50,000, ठीक है, स्टिल शी इज इन लव विद हिम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट कम्स टू गेटिंग सेटल्ड, उस टाइम पे देर विल बी अ टाइम व्हेन द गर्ल शी विल वॉन्ट अ फैमिली, मीनिंग शी विल वॉन्ट चिल्ड्रेन, उस टाइम उसको उतना काम नहीं कर पाएगी वो जितना भी कर रही है, तब आएगा वो फाइनेंशियल क्रंच, दिस इज़ द लॉन्ग रन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ इन द बिगर फ्रेम इन लाइफ, ठीक है, उसका मैटर्निटी टाइम पे वो इतना वर्कलोड नहीं ले पाएगी जितना वो अभी ले पा रही है, देन विल कम इन द चाइल्ड, फिर वो टाइम फेज, तो एटलीस्ट के 2 से 3 साल तो बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे, तो अभी तो दैट 5 lakh इज कमिंग एवरी मंथ, बट दैट टाइम तो 50,000 विल बी कमिंग। पर ये भी वही बात हो गई कि इस केस में भी छोड़ ही दो, मतलब वो मत करो, लेकिन ये भी कहीं गलत नहीं है, मतलब आई टेल यू हाउ आई फंक्शन, मतलब अगर मैं किसी बंदी को देखता हूँ, ठीक है, मुझे उससे शादी करनी है, अगर मैं उसके साथ डे वन पे हूँ ना, अगर मैं कमिटमेंट ले रहा हूँ उसके साथ, तो आई मेक श्योर कि उसके पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो मैं उसके साथ शादी करूंगा, इट डजंट मीन कि अभी मैं उसके साथ हूँ 2-3 साल, जब शादी का नंबर आएगा आई विल फिगर आउट थिंग्स कि यार इसके पास ये नहीं है, ये नहीं है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ रीजन टू चीट, आई एम सेइंग सम पीपल दे आर सो, नो आई एम सेइंग दे आर सो डेडिकेटेड टू लव
कि वो सोचते हैं यार कोई नहीं, अगर आगे 50,000 भी आएंगे ना हम मैनेज कर लेंगे, बिकॉज दैट टाइम दे आर इन लव, दे डोंट वांट टू बिकम द गोल्ड डिगर, है ना, उनको दे आर इन लव, तो वो प्यार के चक्कर में थोड़ा सा तब कर लेंगे मैनेज, बट व्हेन द सिचुएशन हिट्स तब आप कहते हो यार ये किसके चक्कर में पड़ गई थी मैं, दिस थिंग एक्चुअली हैपेंस कि यू रियलाइज, और ये चीज़ बाद में रियलाइज होती है क्योंकि देन यू सी अ स्मॉल चाइल्ड इन योर हाउस, फिर आपको और बात आती है कि यार वेयर वॉज आई एंड वाई वॉज आई फक्ड अप विद लव, तब वो होता है कि जब गरीबी आती है ना तो प्यार खिड़की से भाग जाता है, वो वाला सीन है। But in this case, यार, even if you are cheating, no, that won't help, right? No, I'm not saying cheating is good. I'm saying this is a reason. Because the girl gets frustrated and frustration is the main reason. This is the point. Now, तुम frustrated हो रहे हो तो you end up cheating. ध्यान भटकाने के लिए. You end up cheating. It is not helping you in any way. अगर तुम्हारे पास बच्चा भी है, तुमने देखा कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, इफ यू विल चीट इट विल नॉट हेल्प यू। मैं वही कह रही हूं, एक फ्रस्ट्रेशन वुड लेट यू दैट फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू योर डेविएशन टुवर्ड्स अ रॉन्ग पाथ। आई एम सेइंग इट्स रॉन्ग, यू हैव अ चाइल्ड इन हाउस, यू हैव अ हस्बैंड, हाउ द फक यू गो अराउंड लाइक विद समबडी एल्स, राइट? मतलब सोचना भी गलत है, बट आई एम सेइंग इंसान आज की लाइफ इज सो फास्ट, एवरीवन वांट्स टू मेक मनी, एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, एवरीवन वांट्स एवरीथिंग इन लाइफ, सो दैट हसल के चक्कर में एंड दैट पेस ऑफ लाइफ को मैच करने के लिए पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड, पीपल आर स्क्रूड अप एंड देन दे एंड अप टेकिंग अप द रॉन्ग डिसीजंस, बिकॉज लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा है, अल्कोहलिज्म एंड अदर थिंग्स, तो बंदा मेंटली भी थोड़ा वीक रहता ही है, एंड इट्स दे फील फीजिबल कि यार ठीक है लेट्स गो हुक अप समवेयर एंड मे बी मेरी लाइफ में थोड़ा थ्रिल आएगा इससे। सही बात है, और वैसे भी शादीशुदा लोग कर ही रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं बल्कि मतलब जो नॉर्मल यूथ है उससे। Exactly. भाई लौंडों का तो मैं चीटिंग करने का एक और चीज बताता हूँ क्यों बताता हूँ। ये होता है, मतलब आई हैव सीन गाइस कि भाई बहुत प्यार में है वो, ठीक है, और एकदम बंदी सच्चा प्यार करते हैं, बंदी भी करती है, बढ़िया है, लेकिन कभी वो आउटिंग पे गए अपने लौंडों के साथ, बंदी साथ में नहीं है, उन्होंने पी ली दारू, और ये जो दारू है ना ये करती माहौल खराब लौंडों का, दारू भी चीटिंग करवा देती है। हाँ, दारू के आड़ में होता है, क्यों नहीं होता, वो प्यार अभी अपनी बंदी से करते हैं, बट बंदी वहां पर। ये तो लड़की के केस में भी फिर एप्लीकेबल है कि लड़की भी ज्यादा ड्रंक हो गई, उसने कर दिया। मैं कह रहा हूं, मैं तो बेसिकली अल्कोहल और सब्सटेंसेस भी चीटिंग करवा देते हैं क्योंकि उस टाइम तुम डिसीजन मेकिंग भूल जाते हो, यू आर मोर वल्नरेबल एट दैट टाइम आई थिंक व्हेन यू आर ड्रंक, व्हेन यू आर हाई और ड्रंक, नो यू बिकम हॉर्नी मोर एंड मोर, और तुम्हारी बंदी या बंदा साथ में नहीं है ना, यू वांट समवन, तो वो हो जाता है, यूजुअली होता है, आई हैव सीन इन क्लब्स ये हुआ है, हां ये हो जाता है, राइट पीयूष? Right, मतलब तुम्हें पता है कि तुम ड्रंक हो रहे हो और तुम अपना आपा खो देते हो, तो तुम फिर अगर एक लिमिट तक पियो, मतलब तुम दारू पे मत डालोगे तो दारू ऐसे हो गया, किया तो तुमने ना, मतलब तुम्हारे माइंड को कहीं ना कहीं पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो, और तुम्हारे माइंड को ये भी पता होता है कि अच्छा मैं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ तो चीटिंग होगी फिर तो। भाई अगर तुमने दारू पी है जब तक तुम बिल्कुल बेहोश नहीं हो गए ना, तुम अपनी सेंसेस में तो हो, बट सिंस वी आर टॉकिंग की चीटिंग के रीजंस क्या होते हैं, दिस इज वन ऑफ दोज, आई एम सेइंग सबके लिए नहीं, बट ये भी एक मुद्दा है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी खराब हो जाती है, तुम नहीं उतने अच्छे से डिसीजन लेते हो, लेट लूज करते हो, एक बहाना भी मिल जाता है, पर तुम्हें अवेयर होते हो, दैट स्टिल इज अ चॉइस। ये तो होता है, ये तो शादी में भी होता है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे घर में शादी थी, अंकल दारू पी के हरकतें हो रही है, लेकिन डीप इनसाइड दे नो वो चल क्या रहा है, और ये सबको पता है कि उनको पता है वो हरकतें कर रहे हैं। अच्छा आजकल ऐसा भी तो हो गया भाई, चीटिंग की बात हो रही है तो कि ओपन चीटिंग चल रही है आजकल, ओपन रिलेशनशिप, वाइफ को भी पता है कि चीटिंग करो और हस्बैंड को भी पता है। देयर इज दिस कपल इन माय ग्रुप एंड दैट गर्ल शी इज अ फेमस व्लॉगर, वेरी फेमस, नॉट गोना नेम एनीबॉडी, एंड शी हैज दिस बॉयफ्रेंड हु इज 6 इयर्स यंगर टू हर, बट दैट गाय इज वेरी फाइनेंशियली साउंड, एंड दिस गर्ल इसके घर वालों का हमें किसी का पता नहीं है, वी हैव नेवर सीन, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ द पेरेंट्स, एंड शी नाउ एवरी मंथ शी गोज टू दुबई टू दिस गाय, वी नो द गाय ऑल्सो, जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट्स दैट फ्लैम्बॉयंट लाइफ स्टाइल, एलवी गुची दिस दैट, फैंसी थिंग्स, फैंसी लाइफ, एंड दिस गाय इज रिच, बट ही इज यंगर टू यू 6 years, ही इज 22, शी इज 28, तो you cannot expect a 22-year-old kid to give you like what LV Gucci Dior and all that, but wo expect kar rahi hai wo sab usse, par wo nahi de raha usse kyunki obviously nahi de sakta abhi wo, theek hai, but wo usko bahut lavish life, he was keeping a very nicely, parties and all, spending a lot of money, luxury cars, apne ghar pe lana, apni family se milwana, big thing, okay, and but still itna, aur wo banda, he's so good looking,
he is like one of the best looking guys in our group. He's so charming. But still, this girl, she's like flinging around with this guy in Dubai just because she wants fancy holiday. मतलब ये cheating ये है कि नहीं open cheating मैं बता रही हूँ. अब जब वो दुबई होती है, हाँ, अब जब वो दुबई होती है, उसके हमारे सामने उसका boyfriend दूसरी लड़कियाँ लाता है club में, he's making out, hooking up. Yeah, and he knows my what my girlfriend is doing in Dubai, so they are okay with it. And when she comes back, वो इतना normalize होके हमारे सामने party करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं. यार ये इतना ज़्यादा normal कैसे हो सकता है? I know exactly, and मतलब पता नहीं है. हम इस वाले दुबई भी नहीं गए, हम कहीं और दुबई चले गए. लेकिन आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है भाई कि ओपन हो रही है चीजें. पहले तो छुप छुप के होती थी, अब ओपन होके हो रही है कि तू भी कर और मैं भी कर रहा हूँ. यू कैन फक अराउंड और मैं भी फक अराउंड करूंगा या करूंगी, लेकिन आपस में भी करेंगे. एक ये भी हो गया कि तू फक अराउंड कर, मैं तुझे देखूंगा करते हुए. एक ये भी सीन चल गया. उनका ऐसा है कि हम शादी करने तक अपनी पूरी लाइफ एक्सप्लोर करेंगे. हाँ, अरे ये भी चल गया आजकल कि तू कर और मैं देखूंगा कि तू कैसे कर रही है. ये नया सीन आ गया. दिस कम्स अंडर प्लेजर, दिस इज नॉट चीटिंग. नहीं, लेकिन है तो भाई एक तरीके से ओपन रिलेशनशिप ही तो है. हाँ, ये ओपन यार सामने कर रहा है किसी और के साथ, है तो चीटिंग. प्लेजर तो तुम्हें मिल गया. नहीं, चीटिंग तो वो होती है ना कि तुम छुप के कर रहे हो. ये तो प्लेजर है भाई. यू वांट टू सी योर पार्टनर. Will you get pleasure seeing your girlfriend sleeping with someone? मैं मुझे क्यों ही मिलेगा, लेकिन जो कर रहे हैं उन्हें. ये आजकल चल रहा है, ये ट्रेंड में आ गया, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं. चीटिंग तो ये होना कि तुम छुप के कर रहे हो, ये ओपनली हो रहा है, दैट इज नॉट चीटिंग. हां, मतलब ये है कि कंसेंट मिला हुआ है एक दूसरे का कि कर लो, तुम सामने बैठे हुए हो. पर ये देखा जाए तो है तो गलत भाई. हां, है तो गलत ऑफ कोर्स. अब फिर यही बात आ जाती है, पर्सनल, हमारी पर्सनल चॉइस है. गलत सही से सिर्फ एक नजरिया फिर देखा जाए तो. जितने लोग उतने नजर. यार एक बंदा अगर किसी को देख रहा है अपनी वीडियो किसी और के साथ सेक्स करते हुए, उसको प्लेजर मिल रहा है, उसने उसको बोला है कर, दिस इज नॉट चीटिंग. उसने खुद का वाह बहुत बढ़िया, उसने कहा ठीक है चार बार ही और करो. वो कह रहा वाह जी वाह मौज कर दी. अरे हम यहाँ कह रहे वाह क्या वाह आदमी है सही में. तो भाई अपना अपना नजरिया है फिर यहाँ. जितनी नजर उतने नजरिए. यार वही है ओवरऑल, मैं अपना वो बोलूं ओपन भाई तो सोसाइटी के हिसाब से और जैसे भी इंडियन जो कल्चर है ना उसके हिसाब से बहुत गलत है ये चीज. मतलब इस पे मैं फिर से उनके साथ अग्री करूंगा जो हमारे बुजुर्ग हैं. हाँ. हमारी कल्चर है हमारा. हाँ. जो वो है कि दिस इज नॉट तो ऊपर था ना कि आप, और इसीलिए हमारी शादियां ज्यादा स्टेबल है वेस्टर्न वेडिंग. हमारे पेरेंट्स भी हमने उनको देख के बड़े हुए हैं, तो हमें वो वैल्यूज को आगे ले जाना चाहिए एटलीस्ट अंग्रेजों से. हमारे तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं यार कि मतलब लोग इतनी मतलब उससे मतलब वाइफ भी और हस्बैंड भी इतनी उससे गुजरते हैं कि दुख टाइम कह लो या एक दूसरे को हर्ट पहुंचा रहे हैं या फाइनेंशियली वाइज, फिर भी एक साथ है. कैसा भी सीन है फिर भी एक साथ है. हमारे वो हाई लेवल सोसाइटी है, दे आर हाई सोसाइटी, तो दे आर लाइक ओके ओपन मैरिज. कोई ये वेस्टर्न कल्चर खराब कर रहा है सब सारी चीजें. ये साले अंग्रेज कर रहे हैं जो कर रहे हैं. जो ओवर फ्रेंडली नेचर है ना कि चलते फिर जाओ भाई हेलो कैसे हो, ये सब चल रहा है ना, गलत नहीं रही है. ये साले फिसल जा रहे हैं कहीं ना कहीं. No, it's like middle class. तो जो Gen Z है ना, आज की हमारी इवन इंडिया की. हाँ. तो ये वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर यार इसे ना कूल दिखाया जा रहा है. cool बहुत कुछ कंटेंट है कंज्यूम करने को. वो बाहर के वेब सीरीज देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कल्चर देख रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. बट वो अपने ही घर के कल्चर नहीं देख रहे कि हमारे माँ बाप कितने प्यार से रहते हैं, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको नहीं देख रहे. वो देख रहे हैं वहाँ क्या मस्त चीटिंग हो रही है. ये बढ़िया चीज है. चीटिंग इज कूल दीस डेज. इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है चीटिंग को हटा के, वेप जो बाहर चल रहा है इतना ज्यादा. वेप इंडिया में इतना ज्यादा आ गया भाई, बाहर कम कर रहे हैं लोग, अब यहाँ ज्यादा कर रहे हैं. वेप तो अलग ही हो गया. मतलब एक वेस्टर्न चीज है ना, एक ट्रेंड आती तो बाहर से कोई ना कोई चीज है वेस्टर्न कल्चर. ना उसका प्रो देखते हैं ना कौन देखते हैं ना अपने, मतलब वही है ना, हर जगह हर चीज सूटेबल नहीं होती. तो वो चीज मुझे लगता है हमारे यूथ को फॉलो करनी चाहिए. नेचर इंडियंस के नेचर में किसी के भी, जो घर में वो अच्छा नहीं है, जो बाहर दिखा ना वो बढ़िया है. हाँ. मुझे वो चाहिए. जो घर वाले सिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं है. जो घर वाले तो पुरानी सोच, घर वाले पुरानी सोच के, ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्स. इसीलिए अपनी सोच ठीक करने के लिए अपनी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है कि हमारे पीछे वाले लोगों ने क्या करा और क्या करते आए. सही बात है, ये वाली चीज है. हाँ, तो भाई कंक्लूड करते हैं एपिसोड को. आज हमने क्या सीखा भाई?
आज हमने ये सीखे हैं चीटिंग करने के चीटिंग करने के रीजन देख लिए, तो अगर वो रीजन आपके माइंड में भी हिट कर रहे हैं तो भाई रुक जाओ, किसी को चीट मत करो, बोल दो यार कि नहीं रहना तुम्हारे साथ, नहीं रहना मत रहो, ब्रेकअप कर लो पर चीटिंग मत करो। एक चीज बहुत तगड़ी सीखी, अगर तुम बेड पे बढ़िया नहीं हो ना तो गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ देगी, वन ऑफ द रीजन है चीटिंग का, ये आज मालूम पड़ा। पर अब लड़कों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि साला प्रैक्टिस कहां करे, चीटिंग करे या ना करे, रिहर्सल कहां करे, तो भाई वो फिगर आउट करो यार आप। बात मुझे लगता है दैट इज द गर्ल्स जॉब यार, उसको सिखाओ कुछ, बात करो यार आप, बात करो, बात करना जरूरी है। हाँ बात करो, बातें करो, सही बात है, कैसी भी हो कुछ भी हो, चीटिंग करके हर्ट करने से अच्छा है सच बता के हर्ट करो। एंड सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लो यार बात करके, उससे बढ़िया क्या है क्यों? और ये वेस्टर्न कल्चरों के चोचले, ये चोचले अपनी सब भाई देखो, हम तो हो गए बड़े, हमारी हम तो हो गए बड़े, हमारी उम्र है शादी की, ठीक है, हम हो गए 28-29 के, जितनी भी जेन जी है ना उनसे दरख्वास्त है अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठो, अपने बड़े बूढ़ों के साथ बैठो जाके उनसे सीखो। हाँ भाई अपनी देसी, अपना इंडियन कल्चर, अपनी रूट्स, अपने वैल्यूज सब सबसे बढ़िया है भाई। अपने अपने पिक्चरें देखो यार, शाहरुख खान ने प्यार करना सिखाया शिद्दत हाँ। वाला वो करो भाई, सही में यार मैं सोचता हूँ कि असली प्यार कहाँ गया, ये लोगों में है ही नहीं भाई, आजकल कहीं भी नहीं दिखता भाई, कहीं भी नहीं दिखता भाई, इसे वापस कोई कहीं कोई कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ, इसको वापस लेकर आते हैं किसी के साथ करते हैं प्यार, चलो प्यार करने को तो तैयार है भाई, प्यार करवा लो जितना करवाना है, आपस में कर ले, ये भी अंग्रेजों का चोचला है आपस का प्यार। मजाक से हट के गाइस, तो चलो एनीवेज इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं यार, ये फिर नेवर एंडिंग टॉपिक है, कभी खत्म नहीं हो सकता। और जिसे सच्चा प्यार करना है, सच्चा प्यार करो यार, तुम किन चीजों में पढ़ रहे हो चीटिंग वीटिंग में, बिल्कुल सच्चा प्यार करो भाई, उससे बढ़िया चीज क्या है। चलो जी अगर मजा आया तो ये लाइक बटन को दबा दो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड टिल देन सी यू इन द न्यू पॉडकास्ट, बाय बाय। तुम भी बाय कर दो, बाय बाय नहीं करते ये क्या था क्यों कर रही चलो बाय बाय।